दोस्तों, अभी जो ये बिल्डिंग है, ये G+6 है एंड इसको 3 रास्ता है। आप देख सकते हो सामने रोड, अच्छा खासा रोड दिया हुआ है साइज रोड का। एंड G+6 की नई बिल्डिंग है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, तो अभी उसी के लिए वेटिंग है। एंड इसमें दोस्तों सिर्फ अपने पास एक ही फ्लैट है जो अभी बचा हुआ है। एंड ये दोस्तों पार्किंग एरिया है, ये मतलब दो दो गेट दिया हुआ है, एक इन एक आउट, एक अंदर जाने के लिए एक बाहर आने के लिए। तो ये दो गेट है, आप अंदर की तरफ चलते हैं। और ये दोस्तों जो लोकेशन है पुष्पक नगर में, पनवेल पुष्पक नगर, ये पार्किंग एरिया है। तो दोस्तों इसमें जो रेट है 38 लैक्स 1 BHK ऑल इंक्लूडिंग। ये जो पार्किंग स्पेस देख सकते हो एंड बैक साइड का एरिया देख सकते हो दोस्तों, पूरा भरा हुआ एरिया, आप फुल बैक्स को ओपन एरिया है। तो काफ़ी अच्छी हवा आएगी एंड काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मिलेगा। तो पार्किंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है एंड बिल्डिंग का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब लुक भी देखो एंड कलर देखो, काफ़ी डिसेंट है। एंड जो प्लॉट साइज भी काफ़ी बड़ा है। एंड और एक फ्लोर पे टोटल सिर्फ 4 फ्लैट है पर फ्लोर। फोर्थ फ्लैट ये फायर सेफ्टी का दिया दोस्तों। इसका जो वो आप देख सकते हो, उसका एंट्री काफ़ी अच्छा दिया, एंट्री लेवल देखो एंड इसका साइज देखो एंड पूरा वर्क देखो, काम देखो इसका, पर इंटीरियर का काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड सीढ़ी का भी, सीढ़ी भी देखो काफ़ी अच्छा स्टेयर दिया हुआ है एंड लिफ्ट। तो G+6 है और इसमें G+6 में 38 लैक्स ऑन इंक्लूडिंग। यहाँ पे G+4 ही मिलता है दोस्तों 37-38 लैक्स में। तो यहाँ पे जी आया फायर सेफ्टी है दोस्तों, ये फायर है, इसके बाजू में देखो पाइप दिया हुआ है। तो फायर सेफ्टी मिल रहा है, लिफ्ट मिल रहा है, 24 आवर्स वाटर मिल रहा है एंड स्टेयर केस, और काफ़ी अच्छा साइज मिल रहा है, काफ़ी अच्छी लॉबी है। लॉबी अब देखें आप, तो अभी लिफ्ट है, अभी मतलब लिफ्ट के अंदर तो इसके लिए चिपकाया गया है कि थोड़ा मतलब अभी काम चल, अभी भी काम चल रहा है अंदर थोड़ा। तो अभी OC आने में दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 4 महीना, बट अभी देखो हम आ गए फ्लोर पे। हम फ्लोर का साइज देखो, ये इस तरफ 2 फ्लैट है एंड इस तरफ 2 फ्लैट्स है, तो सभी 1-1 BHK फ्लैट्स है। एंड अब फ्लैट का साइज़ देखो, काफ़ी बड़ा साइज है, 410 का कारपेट। तो अभी लिफ्ट एंड स्टेयरकेस, इस तरफ स्टेयरकेस है जिस तरफ हम अंदर घुस रहे, तो ये स्टेयरकेस हो गया। तो दोस्तों इस बिल्डिंग के नियर बाई थोड़ा डिस्टेंस पे एयरपोर्ट है, और खानदेश्वर 2 किलोमीटर है और पनवेल रेलवे स्टेशन 2.5 किलोमीटर है। तो अभी चलो आपको हम फ्लैट दिखाते हैं। फ्लैट देखो दोस्तों 1 BHK, काफ़ी स्पेसियस फ्लैट्स, काफ़ी स्पेसियस से और वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा दिया है। रोड साइड फ्लैट है, रोड साइड। आप साइज़ देखो फ्लैट का, 1 BHK फ्लैट का आप साइज़ देखो और वेंटिलेशन देखो एंड रोड साइड एंड गैलरी है, ये सामने आपको गैलरी मिल रहा है एंड फुल ओपन, फुल ओपन दिख रहा है आपको, काफ़ी अच्छा व्यू है दोस्तों। और रोड साइड है देखो, तो ये अपनी गैलरी हो गई, गैलरी की आप साइज देखो एंड फ्लैट का आप साइज देखो, 410 का कारपेट, तो काफ़ी नॉर्मल साइज़ नहीं, काफ़ी बड़ा साइज है। एंड अभी हम आपको चारों तरफ से डायरेक्शन करके दिखाएंगे हॉल का साइज, क्योंकि आपको वीडियो से मालूम चल जावे। ये किचन है, किचन का भी आप साइज देखो, किचन भी काफ़ी बड़ा साइज है एंड किचन में गैलरी एंड वो कॉर्नर साइड आपको वॉशिंग मशीन भी आप लगा सकते हो। एंड यहाँ पर किचन के एंड और किचन का भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, मतलब मीडियम साइज़ है। एंड पूरा इसका कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी देखो, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। एंड इससे अब दो दो टू टाइप्स दिया इसमें वॉशरूम, एक अपना ये इंडियन वॉशरूम है एंड बाजू में नहाने के लिए। एंड उसके अंदर भी आपको स्पेस मिल रहा है, आप उस गेट के अंदर जाके देखोगे तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, जैसे आप काफ़ी सारे सामान आप रख सकते हो। इसके बाद चलो आपको मैं बेडरूम में लेके चलता हूँ, बेडरूम लाल जवाब बेडरूम है दोस्तों। बेडरूम का आप वो देखो, काफ़ी डिस्टेंस पे बिल्डिंग बना हुआ है, क्योंकि इससे अच्छे काफ़ी अच्छी एयर भी आएगी। अब प्लस यहाँ पे काफ़ी बड़ा टावर बनेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि नियर बाय एयरपोर्ट है, इसके वजह से काफ़ी अच्छी हवा आपको सालों साल मिलती रहेगी, मतलब जब तक बिल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छी बेडरूम साइज भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो आप, मैं आपको चारों डायरेक्शन दिखाऊंगा, आप चारों टाइप्स के डायरेक्शन दिखाऊंगा, देखो कितना साइज दिया हुआ है। तो अभी आपको हम फास्ट दिखाएंगे, फास्ट अभी पहले आप बैकग्राउंड देख लो बेडरूम से। तो बेडरूम से दोस्तों वहाँ पे देखो सामने माउंटेन फुल कड़क, और यहाँ से आप चलो आपको एकदम फास्ट करके दिखाऊंगा। एंड ये अपना आपको दिखा दिया हो बेड वॉशरूम एंड हॉल, फिर हॉल भी आपको अच्छे अपने देख लिया है एंड किचन
सब कुछ मैं आपको इतनी अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये अपना क्या बोलते हैं